हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बड़ी घटना ये घटी है जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में एक जवान ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग में सीआरपीएफ के 4 जवानों की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग का मामला मरईगुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिंगपल्ली गांव में स्थित सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के शिविर का है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शिविर में जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर गोली चला दी है। उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 जवानों धनजी राजीव मंडल, राजमणि कुमार यादव और धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य जवान धनंजय कुमार सिंह, धर्मात्मा कुमार और मल्ल रंजन महाराणा घायल हो गए हैं। सुंदरराज ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है, आज तड़के करीब 3:15 बजे जवान रितेश ने विवाद के बाद अपनी AK-47 राइफल से अपने अन्य जवानों पर गोलियां चला दी। इस घटना में 7 जवान घायल हो गए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अन्य जवान और अधिकारी वहां पहुंच गए। अधिकारियों और जवानों ने आरोपी जवान को पकड़ा तथा घायल जवान को तेलंगाना के भद्राचलम जिले के अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने 4 जवानों को मृत घोषित कर दिया है जबकि 3 जवानों का इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है, उससे पूछताछ के बाद घटना के कारणों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। वहीं इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। उन्होंने घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।